बहन जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? मानसी राजपूत। कहाँ से आए जी आप? अहमदाबाद गुजरात से। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने 21 नवंबर 2016 को ली। आप गुजरात में रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ गए? मेरे मामा ने मुझे ज्ञानगंगा पुस्तक दी थी और मेरी तबीयत खराब हो गई थी, सो दैट्स व्हाई मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सबसे पहले आप ही संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए थे अपने परिवार में, या और भी कोई पहले से जुड़ा हुआ हो? नहीं, मेरे परिवार में कोई संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा हुआ नहीं था। मैं और मेरी बहन सबसे पहले जुड़े थे संत रामपाल जी महाराज से। ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है कि पूरे परिवार में आपने सबसे पहले नाम दीक्षा ली। क्या किसी ने कोई विरोध नहीं किया? कि क्योंकि निश्चित ही आपके परिवार में कोई और साधना चल रही होगी पहले। हाँ, चल रही थी। मेरे पापा जो है वो हमारे घर में जो पहले से रीति रिवाज है, जैसे हमारे कुल देवी ब्रह्माणी जी को मानते थे तो उनकी पूजा साधना किया करते थे, और हमारे जनरल गुरु बनाते हैं ना वो जो घर पे, वो उनको उनकी पूजा साधना किया करते थे, और नाम वो दक्षिणा देते हैं ना वो भी दिया करते, तो उसमें हमारे लाखों पैसे वहाँ ही थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो, वो जो पारंपरिक साधनाएं हैं जो शास्त्रों में मना की है उनको करने से मना करते हैं, तो आपके परिवार वालों ने विरोध नहीं किया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए हैं? हाँ, विरोध किया था, मेरे पापा ने किया था। मेरे पापा तो संत रामपाल जी महाराज को मतलब ढोंगी बाबा मान रहे थे, और संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताए वो अपने मुँह से नहीं बताते हैं, वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताते हैं भक्ति। वो हमारे जैसे विष्णु कृष्ण ये सब की जो भक्ति साधना है उनका जो मूल रूप है ना, उसका वो श्रीमद् भागवत गीता में उसकी सभी डिटेल लिखी हुई है, और संत रामपाल जी महाराज उसके अकॉर्डिंग भक्ति बताए, जो हमारे वेदों में जो भक्ति साधना लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं, वो अपने मुँह से नहीं बताते हैं। तो फिर आपके पिताजी संत रामपाल जी महाराज जी को मानते नहीं थे, तो फिर आपने भक्ति कैसे स्टार्ट की? और आपके जो माता पिता हैं क्या वो समझ पाए कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बता रहे हैं वो सही है? ये 1.5 महीने की प्रोसेस है। सबसे पहले मुझे पीलिया हो गया था अहमदाबाद में। हम कई सारे अस्पतालों में घूमे और फीस भी वहाँ बहुत थी और मेरी तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही थी। फिर मेरे मामा ने नाम लिया हुआ है जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो हम वहाँ गए, मेरे मामा ने मुझे अस्पताल में ले गए। अस्पताल में मैं 3 दिन एडमिट रही, और उस टाइम दिवाली चल रही थी, तो धनतेरस थी, धनतेरस में हॉस्पिटल में छुट्टी दे देते, तो मुझे भी छुट्टी दे दी धनतेरस के दिन। तो हम लोग तो घर आ गए, फिर थोड़ी तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन फिर उसके रात ही तबीयत बिगड़ती गई। मेरा पूरा शरीर एकदम येल्लो कलर का हो गया था, किसी को आशा भी नहीं थी कि मैं बचूंगी, और फिर मेरी अकल ठिकाने आई, क्योंकि जब हम किसी जगह पर खड़े हो वहाँ पानी का बहाव आएगा तो दूर होगा पानी का बहाव, तो हम ऐसा सोचेंगे कि भाई पानी अभी थोड़ा दूर आ रहा है, अभी जब नज़दीक में आएगा ना तब हम वहाँ से खिसक जाएंगे, तो मेरी मेंटालिटी भी वैसी ही थी, तो मैंने भी सोचा पानी आने दो फिर मैं जाऊँगी। मतलब ऐसे ही मेरी तबीयत ही बहुत ख़राब होने लगी, और तब मेरी अकल ठिकाने आई कि मुझे बचाने वाले सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही है। और फिर मेरे पापा तो मान नहीं रहे थे, भाई कुछ नहीं, मानसी को वापस घर ले जाओ, और ऐसा कह दिया। फिर मेरे मामा ने भी कह दिया, भाई ले जाओ आप मानसी को घर, उसका कुछ नहीं होने वाला, ये मर जाएगी जो अगर संत रामपाल जी महाराज जी से इसने नाम दीक्षा ना ली तो। फिर मेरी मम्मी को तो डर लगने लगा, तो मेरी मम्मी ने कुछ मेरे पापा से पूछा नहीं कि भाई ये नाम ले रही है। और उसी दिन जैसे ही मेरी मम्मी ने मेरे मामा को फ़ोन किया कि हाँ भाई मानसी को नाम दीक्षा दिला दो, उसी दिन मैंने जो बिस्तर पर सोई थी उस बिस्तर को हटाकर मैं झाड़ू लगाने लगी, जब ये ऑर्डर आया मेरे मम्मी को कि मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिला दो, यही। तब से मेरी तबीयत अच्छी है, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि आप ये परमात्मा है, उन्होंने मेरी जान बचाई। तो फिर आपके माता पिता जो पहले विरोध कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज का, तो फिर कैसे समझ में आया उनको? देखो, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, मैं अपने घर अहमदाबाद में गई, मेरे पापा जो भक्ति साधना किया करते उनको मेरी मम्मी ने बोल दिया, भाई आप जो देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हो उनको अब नहीं करना है, क्योंकि मानसी अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है, और संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते उनको, और उन्होंने मना किया कि किसी भी देवी देवताओं की पूजा साधना नहीं करनी है, इसीलिए मेरे पापा भी मान गई और हमारे घर से देवी देवताओं। लेकिन आपके पिताजी तो संत रामपाल जी महाराज जी को एक ढोंगी मानते थे, तो फिर उनको कैसे विश्वास हुआ कि आप जो भक्ति कर रहे हैं वो सही है?
हाँ वो मानते ही थे ढोंगी, लेकिन मेरे मामा ने और मेरी मम्मी ने मेरे पापा को समझाया कि भाई आप सत्संग सुनो, तो मेरे पापा ने सत्संग सुनना स्टार्ट किया। फिर ज्ञानगंगा संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई जो ज्ञानगंगा पुस्तक है उनको उन्होंने पढ़ा और फिर उनको ज्ञान हुआ कि हाँ भाई संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे वो सही है, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। अच्छा ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अपनी लाइफ में अपने परिवार में क्या क्या बदलाव देखे? मेरे घर में तो कलेश बहुत ही रहता था, तो वो कलेश अब नहीं रहा है, शांति है घर में। और मेरे मम्मी पापा जब हमने नाम दीक्षा नहीं ली थी तब हमारे तीनों भाई बहनों को रात को सात बजे के बाद हमें घर से नहीं निकलने देते। मेरे पापा संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और उनको अब विश्वास होने लगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो अब समर्थ की शरण में है, वो समर्थ के नियम में रहते, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि उनके दिल को चोट लगेगी। जैसे कि हमारे समाज में भी बहुत कुरीतियाँ चल रही है, लड़की लड़कियों में सब समाज बिगड़ चुका है, लेकिन अब मेरे पापा को ऐसा विश्वास हो गया और है भी ऐसा कि हम लोग ऐसा वैसा कोई कार्य नहीं करेंगे, सीधी लाइन पर चलेंगे, परमार्थ के लाइन पर चलेंगे। अब तो आप अपने पिताजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपके पिताजी पहले कोई नशा वगैरह करते थे? हाँ जी, मेरे पापा तंबाकू का सेवन किया करते थे ये सब, और तंबाकू का सेवन तो वो जैसे खाना खा लिया ना तो सीधे वो दुकान पर चले जाते थे खाने, मतलब एक एक मिनट पर वो तो सेवन करना ही है, बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते। और ये मेरे पापा खुद भी नहीं मान रहे कि हाँ मैंने नशा छोड़ दिया तंबाकू सेवन का, वो खुद भी नहीं मान रहे थे। हाँ पर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तब उन्होंने तंबाकू सेवन करना छोड़ दिया। अब कैसी लगती है आपको अपनी लाइफ, पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में कितना बदलाव नज़र आता है, और कौन सी लाइफ आपको सुकून प्रदान कर रही थी, ये वाली लाइफ है या पहले वाली लाइफ है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ भाई परमात्मा है, मैं कोई आपत्ति में होगी तो वो मेरा साथ देंगे। और पहले की लाइफ थी मतलब मैं कोई कैद में नहीं रहती थी वैसा लग रहा था, अब तो एकदम फुल फ्री माइंड में रहती हूँ। और मेरा ये जुनून हो गया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा भक्ति जो बताई गई है उस भक्ति को करके मुझे सतलोक जाना है बस। आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि अक्सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे शारीरिक लाभ होते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद पहले तो मेरी तबीयत ठीक हो गई, वो फिर मेरी मम्मी को ऐसे जो हार्ट में ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती थी जो कपड़े धो रही हूँ तो सीधे बाहर निकल जाती थी, उसके मतलब ऐसी मेंटालिटी हो गई है कि मुझे कोई कुछ हो रहा है अंदर अंदर, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तब से वो तकलीफ अब ठीक हो गई है। फिर मेरी दादी को लकवा मार गया था और उन्होंने भी मेरी दादी ने भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई ज्ञानगंगा पुस्तक पढ़ी, फिर उनको भी विश्वास हुआ कि ये भाई भगवान है, तो उन्होंने भी नाम दीक्षा ली, तब से उनका पैर एकदम सही है। और वो जो अभी 17 जून को जो कबीर भंडारा हुआ था उसमें वो चल कर गई थी अपने आप, हमने किसी ने भी उनको हाथ नहीं लगाया था, इतनी परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया है जी। और कुछ लाभ हुआ? मेरे पापा 1 साल तक जॉब में नहीं गए थे और कहीं से भी हमारी इनकम ही नहीं थी, अभी हम सोच रहे थे भाई कैसे रोटी खाएंगे, कैसे हम हमारा घर कैसे चलाएंगे, फीस कैसे भरेंगे, ये सब हमें चिंता में लग रहे थे। फिर मैंने कहा भाई हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं, हमें ऐसे किसी से हाथ फैलाने के दिन नहीं आएंगे कभी भी, आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो भक्ति दी गई है उसको अच्छी तरह से करो और मर्यादा में रहो, मर्यादा सबसे पहले है। तो हमने ऐसे ही किया पूरे साल, और पूरा साल कैसे निकल गया हमें पता भी नहीं चला, ना जाने परमात्मा ने कहाँ से सभी चीज़ों का एडजस्टमेंट किया हमें पता भी नहीं चला। और सभी जो हमें पड़ोसन में उससे तो हमारी आर्थिक स्थिति उस साल बढ़िया थी जबकि हमारी कोई इनकम ही नहीं थी उस टाइम। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिला आपको? मैं जब छोटी थी तब मेरे मन में एक विचार आया था भाई ये सब किसने बनाया है, ये सब दुनिया कैसी है, ये सब रीति रिवाज ये सब क्यों है, क्यों मेरी ज़िंदगी में ये सब क्यों है और बाकी सब लोगों की ज़िंदगी में ये सब क्यों है, किसने ये सब बनाया। तो एक बार ये क्वेश्चन मैंने मेरे पापा से पूछा तो मेरे पापा ने कहा कि मोहम्मद जी ने ये सब दुनिया बनाई है। मैंने बोला ठीक है भाई पापा ने कहा है तो। किसने बनाई है? मोहम्मद ने। मोहम्मद कौन?
वो मुझे भी नहीं पता मोहम्मद कौन है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए तब मुझे पता चला कि मुसलमान के कोई वो थे। तब एक मेंटालिटी थी मेरे मन में, ये क्वेश्चन मेरे मन में घूमता रहता था। संत रामपाल जी महाराज जी का मैंने ज्ञान जब समझा तब मुझे समझ में आया कि इस सृष्टि की रचना किसने की है, मुझे किसने बनाया, मेरे भाई बहनों को किसने बनाया, ये सब मुझे पता चला। मैं पढ़ाई में बहुत ही वीक थी, कभी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे कभी भी, और 11th में तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ चुकी थी, लेकिन अब पढ़ाई पर इतना मूड नहीं था और भक्ति में मूड था। तो मैंने कोई क्लास में मुझसे बात नहीं करता था पहले, क्योंकि मैं इस भक्ति करती थी इसलिए कोई मुझे बुलाता नहीं था, सब अपने अपने काम में लगे रहते थे ये सब। और मुझे तब बहुत बुरा लगता था कि ये लोग मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं ये सब वगैरह। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि भाई मालिक मेरी लाज रखना, क्लास में मेरे कम मार्क्स ना आए, ये देखना परमात्मा। तो परमात्मा ने देखा ही, फर्स्ट एग्जाम में मैंने कोई रात दिन मेहनत नहीं की थी, फिर भी परमात्मा ने मुझे 82% दिए थे, जबकि कोई भी मेहनत नहीं थी, मैं खुद चौंक गई थी। और जब सेकंड एग्जाम आई ना तब भी वही की सिचुएशन रही कि मेरे फिर से 82% ही आए, जबकि मैंने कोई मेहनत ही नहीं की थी। और फिर तीसरी एग्जाम में तो मैंने बंदी छोड़ को कहा, संत रामपाल जी महाराज जी को कहा कि परमात्मा अपने दो एग्जाम में तो मुझे निकाल दिया आगे, लेकिन अब तीसरी एग्जाम में परमात्मा देखना, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा ना तो सब लोग समझेंगे कि मैंने एग्जाम में बेईमानी की है, आप लाज रखना मेरी। तो परमात्मा ने तीसरे एग्जाम में तो मुझे 88% दिए मालिक ने, यार मैं तो चौंक गई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त भारत अभियान का बेड़ा उठाया है, दहेज मुक्त भारत का भी बेड़ा उठाया है। इससे जो मेरे पापा है तो मुझे भी पता है कि उनकी मेंटालिटी पहले ऐसे थी कि भाई दो बेटियाँ हैं कैसे ब्याह करेंगे इनका, कैसे मतलब दहेज कहाँ से लाएंगे ये सब, और उतनी तो हमारी इनकम भी नहीं थी, खाने के फाफे थे, तो इनकम की तो कहाँ बात ही करे। तो मेरे पापा की यह टेंशन तो दूर हो गई, और मेरे पापा जो तंबाकू सेवन करते थे वो भी अब नहीं करते, और इससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और इसके लिए मैं संत रामपाल जी महाराज की बहुत आभारी हूँ। और इसके अलावा मैं भगत समाज को प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ये मनुष्य जीवन है बहुत ही दुर्लभ है, अगर आप किसी मुश्किल में होगे तो आपके भाई बहन मम्मी पापा कोई नहीं आएंगे, अगर कोई आप किसी भी परिस्थिति में कोई काम कर रहे हो और कोई भूकंप सुनामी आएगी तो आपको कोई नहीं बचाएगा, सब अपनी जान बचाएंगे, तो तब आपको संत रामपाल जी महाराज मतलब परमात्मा आपको बचाने आएंगे। आप परमात्मा की कदर करना सीखो, और ये सब जो भी अभी समाज में सब फिल्में देख रहे हैं उससे सब प्रेरित हो रहे हैं सभी चीज़ों के लिए, तो ये भी बंद कर दीजिए, फिल्में अच्छी चीज़ों के लिए है, बुरी चीज़ों के लिए नहीं है। तो मैं भगत समाज को ये कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ो, उनका सत्संग सुनो, और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सत साहेब।